नमस्कार फ्रेंड, मौर्या टूर पेज के नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने है एक्सल 100 बाइक, जिसका किक स्प्रिंग देख सकते हैं। यहाँ से हमने खोला है और ये टूट गया है, और ये आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ से स्प्रिंग किस तरह से टूट गया है, जिसकी वजह से ये किक जो है एकदम से लूज पड़ रहा था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्रैक हो गया है। तो हमें इसका किक जो है स्प्रिंग जो है किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूँगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पे आगे भी ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड, सबसे पहले हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको निकालने के लिए पूरा यहाँ पर एक लॉक दिया गया है। तो हमें इस तरह से आपको प्लास लेना है, प्लास की मदद से इसको आपको खोलना है ऐसे करके। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि आपको करना है, और ऐसे करने के बाद में आपको बाहर की तरफ ऐसे पुश करना है, इसे आउटर प्लास लेना है। इसे देख सकते हैं, इसको आप जब प्रेस करेंगे तो जिससे क्या होगा, ये घाट से बाहर आ जाएगा। तो इसको घाट से बाहर करके आपको पूरा एकदम बाहर कर लेना है। तो कुछ इस तरह से लॉक रहता है, तो इसको हमें इस तरह से बाहर निकालना है। और इसके पीछे देख सकते हैं एक वाइसर रहता है कुछ इस तरह से। ये वाइसर जब आप निकालेंगे तो इसके पीछे आपको ये कुछ ये बुश प्लास्टिक का दिया रहता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये काला सा आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ा आप यहाँ पे जंग पड़ा हुआ है इसलिए आपको नहीं दिख पा रहा है, बाकी इस पे है। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ये जो है अंदर से बुश निकल गया है। तो ये बुश पे इस ये कट बना रहता है, तो ये इसके बीच में लगता है। तो इसको हमें करने के बाद में देख सकते हैं ऐसे निकालना है, और इसका ये जो हिस्सा जो है देख सकते हैं यहाँ पर होल दिया गया है, इस होल के अंदर बैठता है, और ये कुछ इस तरह से इसे खांचे में जाके बैठता है। इस प्लास्टिक का काम क्या होता है ये बुश का, कि ये इसको बैलेंस बना के रखता है, ताकि ये जो है इधर उधर लचके ना और स्प्रिंग अच्छे से वर्क करे। ठीक है, तो इसको चलिए मैं बाहर करके, और यहाँ से टूटा हुआ है न्यू वाला स्प्रिंग लगाना है। न्यू स्प्रिंग देने से पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर हमें सफाई करना है अच्छे से कपड़े से। तो चलिए यहाँ से साफ़ कर लेते हैं इसको। इसको हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है, उसके बाद में क्या करना है, हमें न्यू वाला जो है स्प्रिंग लगाना है। ये कुछ इस तरह से रहता है। तो हमें इसको लगाने से पहले सबसे पहले क्या करना है, इस पर थोड़ा सा ग्रीस लगाना है, जिससे ये थोड़ा सा इस पर मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे क्या होगा ये इसका लाइफ जो है अच्छा रहेगा और जल्दी से टूटेगा नहीं। क्योंकि दोबारा से अगर जो ये जल्दी से फिर टूट जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लगाने से। तो इसलिए हम इसको ग्रीस लगाएँगे ताकि ये काफ़ी समय तक चले। तो इस पर हमें चारों तरफ से ऐसे ग्रीस लगा देना है। लगाने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा के सिवाय। इसको लगाने के बाद में हमें देख सकते हैं कि इसका ग्रुप हमारा जहाँ पे है खांचा बना हुआ है, देख सकते हैं होल, तो वहीं पे हमें ऐसे करके इसका सीध रखना है। तो ऐसे करके हमें लेके चलना है, देख सकते हैं ऐसे लेके चल के हमें उसके घाट पे यहाँ पे फंसा देना है। यहाँ पे फंसाने के बाद में हमें क्या करना है, इसको हमें बुश को जो थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। बुश को साफ़ करने के बाद में देख सकते हैं, और ये जो है यहाँ पे बैठेगा। इसमें कुछ भी टाइमिंग वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी टाइमिंग नहीं होता है, सिर्फ ऐसे आपको कर देना है। इसको करने के बाद में आपको चाहे तो पहले लॉक फंसा लें, नहीं लॉक फंसाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसे करके स्प्रिंग को खींचेंगे थोड़ा बलपूर्वक, ध्यान देना है ऐसे आपको करना है। ऐसे खांचा बैठ चुका है, अब हमारा ये अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग टूटने के कारण ये किक लूज पड़ रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि किक रैचेट आवाज़ कर रहा था। तो उसको हमने नहीं दिखाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लोग बोलोगे तो कभी नेक्स्ट टाइम मैं उसके ऊपर वीडियो फिर से बना दूँगा। और इसके पीछे चलिए मैं वाइसर देता हूँ, तो ये वाइसर कुछ इस तरह से लगेगा, और यहाँ ऐसे ग्रुप बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे कट। आपको थोड़ा सा मैं नज़दीक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ग्रुप पे दिख पा रहा होगा कि यहाँ से जब देखेंगे आप तो यहाँ पे ग्रुप पे ये वाला जो है लॉक बैठेगा कुछ इस तरह से रहता है। तो लॉक को हमें कुछ इस तरह से ऐसे करके सीधा कर लेना है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, और ऐसे घुमा के चेक करना है कि ये घूम रहा है कि नहीं। अगर ये घूम रहा है देख सकते हैं अभी, तो इससे हमारा पता चल रहा है कि ये हमारा ग्रुप पर बैठ गया है। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ से हो गया है। इसके बाद में हमें इसका कैप लगाना है, ये वाला
कैप को लगाने से पहले आपको सफाई कर लेना है थोड़ा सा। और इसका हमें इसलिए कवर खोलना पड़ा है फ़ैन का कि क्योंकि ये घूम नहीं रहा था, तो हमें कुछ इस तरह से ऐसे लगाना है, सीधे ऐसे करके डालना है ऐसे। और ऐसे करने के बाद में हमें कुछ इस तरह से ऐसे रख देना है। ऐसे आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से घाट पे हो गया है। तो यहाँ पे तीन स्क्रू दिया है, तो तीन स्क्रू को हमें लगाना है। तीन स्क्रू कुछ इस तरह से है, एक समान है तीनों, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है। तो तीनों को आपको फंसाने के बाद में स्क्रू ड्राइवर की मदद से या बिट की मदद से जो भी आपके पास हो उससे आप टाइट कर सकते हैं जिससे आपने खोला है। इसको टाइट करने के बाद में हमें इसका कवर का जो है जितना भी बोल्ट है उसको लगाना है। तो चलिए उसको मैं टाइट करता हूँ। इसको हमें हाथ से ऐसे फंसा लेना है। फंसाने के बाद में हमें क्या करना है, इसको ऐसे टाइट कर देना है। इस तरह से पाना लेना है 12 नंबर का, तो 12-13 का पाना लेके आपको ऐसे टाइट कर देना है। अभी देख सकते हैं कि हमारा ये किक यहाँ से और ऊपर जो है बहुत तेज़ी से खींच रहा है, तो इससे हमारा ये गाड़ी कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं इस तरह से जब भी आपकी बाइक में भी प्रॉब्लम आए तो इस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही आगे भी बाइक से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।